मथुरा के वृंदावन क्षेत्र के पत्रकार द्वारकेश मानवता की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। द्वारकेश वृंदावन मथुरा के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संगठनों के साथ जुड़कर आम जनों को भोजन, दवाएं, अस्पतालों में बेड, रक्त व ऑक्सीजन की सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली द्वारा संचालित है। हमारी संस्था के द्वारा 2011 से निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। कोरोना काल में अभी दूसरी लहर में हमारी संस्था और कुछ समाजसेवी संगठनों में मिल करके एम्बुलेंस, सोवा और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कंसंट्रेट आदि सेवाएं आम जनमानस को उपलब्ध करा रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ बहुत से स्वयंसेवी व्यक्ति और संगठन जुड़कर के समाज का बहुत योगदान कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा हमारे वृंदावन के युवा मंडलकार श्री द्वारकेश वर्मन जी के लिए, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, निरंतर सबका सहयोग दिया, सभी को सहयोग दिया, सभी के सुख दुख में साथ खड़े रहे। संकट की इस घड़ी में बहुत सा समय ऐसा आया जब मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने, जिन्होंने कहा कि कोई समस्या आए, इस सामाजिक कार्य में हम लोग सहभागी हैं, लेकिन बुलाने पर भी जब कोई नहीं आया तो द्वारकेश जी जब ड्राइवर नहीं आता था तब भी गाड़ी लेके जाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर रात रात भर लाइन में खड़े होकर लेकर आए, ड्राइवर हो तो भी उसके साथ गए, हमेशा तत्पर रहे। रायबरेली के सरोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी में सूची चौकी इंचार्ज समेत उनके हमराहियों ने तिलक से लौट रहे 5 लोगों को रोककर जमकर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के अनुसार 5 लोग शराब के नशे में पुलिस को गाली दे रहे थे, लेकिन 5 लोग जरूर शराब के नशे में थे, लेकिन पुलिस ने इस तरीके से आखिर क्यों मारपीट की? तो वही पीड़ित विपिन ने अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली से फोन पर आपबीती बताई। साथ ही कार्यवाही न होने की दिशा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है, जिसके बाद अपर पुलिस अधिकारी विश्वजीत श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। सर, हम साढ़ू की लड़की की तिलक चढ़ा के वापसी आ रहे थे सूची रोड से, तो बगहा जंगल के पास एक इसका वाइट रंग की कार ओवरटेक करी हमको और उनके पास असलहा था, रोक रहे तो हम लोगों ने रोकी नहीं गाड़ी, आगे आ गए तो आगे 100 नंबर की गाड़ी आई तो वहाँ रोक दी, तो वहाँ उन लोगों ने उतार के बहुत मारा, फिर चौकी पे ले जाके बहुत मारा। हम लोग एक लड़की की तिलक चढ़ाने गए थे हरपुर हल्ला भटनोसा ओ बिंदागंज, और वहाँ से लौट रहे थे। रास्ते में हमको सिविल वर्दी में और सफ़ेद गाड़ी से लोग खड़े थे राजापुर जंगल में, ये लोग रुकाए, असलाह लिए थे, हम लोग डर के मारा नहीं रोकना चाहिए, लेकिन तब तक 112 नंबर भी पीछे से आ गई, ये लोग हमको आगे लगा के वहाँ फिर रोक लिए, फिर लोग सब लोग मिल के मारे, वहाँ से फिर ले आए चौकी में सूची, वहाँ भी हम लोगों को बहुत मारे। तिलक में फ्रेंड के बहन की तिलक चढ़ाने गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो हम लोग को 100 नंबर गाड़ी मिली, तो हम लोग वहाँ पे तो कुछ ध्यान नहीं दिया, हमको कुछ पता नहीं, तो हम लोग आगे आए सूची के पास, हमको सिविल वर्दी में थे, सिविल गाड़ी थी, उसके बाद वो लोग हाथ दिए, हम लोग नहीं रोके, उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आई, हम लोग रोक दिए, फिर वहीं पे हम लोग को खूब मारे, फिर सूची ले जाके वहाँ पे चौकी में सिविल वर्दी में ही मारे वहाँ भी। रायबरेली के सरहरी क्षेत्र के बेरुआ ग्राम सभा में लगभग 31 ग्राम प्रधानों ने शपथ ली। दूसरी ओर शपथ ग्रहण के वक्त सरहरी पुलिस प्रशासन शपथ ग्रहण स्थल पर मौजूद रही। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम शांतिपूर्ण व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सम्पन्न हुआ। बिजनौर में आगामी 27 मई को बिजनौर के चांदपुर में डीआईजी का दौरा है। ऐसे में बिजनौर एसपी और डीएम ने चांदपुर के नवनिर्मित थाने का निरीक्षण किया और डीआईजी के दौरे पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मौके पर तैनात समस्त पुलिस स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूरे जिले में जो थाने के भवन है, चौकी के भवन है, अलावा इसके स्वास्थ्य की जो बिल्डिंगे हैं उनका भी कायाकल्प कराया जा रहा है, और आज जो कार्यक्रम किसान यूनियन का था उसके सिलसिले से हम और किसान साहब मूवमेंट में, और इधर खादर क्षेत्र में काम आना होता है तो आज पूरा जो नारनौर पुल है और वहाँ जो चौकी बनी है उस तरफ जाकर सारी चीज़ देखी गई, निरीक्षण किया गया है। ये अच्छी बात है कि ये बिल्डिंग जो पुरानी पड़ी हैं इनका कायाकल्प हो रहा है, उन्हें बेहतर किया गया है।
बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर से 112 नंबर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक पड़ोसी महिला को बार बार SMS के जरिए परेशान कर रहा था। सूचना पाकर पुलिस युवक के घर पहुंची और पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के बाद युवक घर में चला गया और युवक ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने आने फानन में युवक को क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सुनाई थी एक महिला की, ऐसे ऐसे एक हुई व्यक्ति उनको गलत मैसेज करता, फोन करता। उस सूचना पर हमारे लैब जो 100 नंबर की PRV है, 112 नंबर की जो PRV है, वो गई, उस महिला से मिली। महिला ने बताया बगल वाले आगे घर है, उस पर वो लड़का हमको कमेंट्स कसता। उस पूछने के बाद में हमारी PRV वहाँ गई, वहाँ के उसके माँ बाप मिले उसको, लड़के को बुलाया। लड़के को महसूस हुआ कि पुलिस को क्यों आई है, और अंदर वो घर के अंदर गया और जाके उसने कुछ पदार्थ खा लिया और पूजा हॉस्पिटल लाए गए। पूजा हॉस्पिटल में इलाज चला, वो एक्सपायर कर गया। बिजनौर के समीपुर CSC प्रभारी डॉक्टर सर्वेश निराला पर एक महिला को झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा है। महिला ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर उससे शादी की है। आरोप है कि जब महिला ने डॉक्टर से इसका विरोध किया तो उसने महिला को घर से निकाल दिया, जिसके बाद महिला ने CMO ऑफिस में धरना दिया, लेकिन अभी तक आरोपी डॉक्टर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी हूँ। डॉक्टर सर्वेश निराला और हम दोनों CMO ऑफिस गाजियाबाद में मिले थे। डॉक्टर सर्वेश निराला ने अपने आप को अनमैरिड बताकर मुझे बहला फुसला कर मेरे साथ शादी किया। शादी के बाद हम दोनों बतौर पति पत्नी के तहत गाजियाबाद में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये पहले से भी शादीशुदा हैं और इनके बच्ची एक है, जिसका मैंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद इन्होंने बोला कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ बिजनौर में करा लिया। तब से फिर मैं इनके साथ रहने लगी। अब मुझे कुछ दिन पहले फिर से पता चला कि ये जो है बहुत सारी रंग लड़ियाँ कर रहे हैं अलग अलग लड़कियों के साथ, जिसका मैंने विद्रोह किया। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी और बहुत सारे मुझे टॉर्चर किया और मुझे अभी अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं। डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह आज क्षेत्रीय अधिकारी नजीबाबाद के ऑफ कार्यालय पहुंची थी, जहां पर CEO साहब उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं जा रखे थे। ऐसे में वो उन्हें कहीं से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, तब हमारी मौके पर जो हमें टीम है वो पहुंची है। पीड़िता ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बताया कि डॉक्टर सर्वेश निराला काफी दिनों से, कई साल से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न वगैरह इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इससे वो परेशान है काफी, और वो क्षेत्रीय प्रशासन से भी कई बार मदद की गुहार लगा चुकी हैं। उनका कहना है कि एक सप्ताह से वो पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई पर अभी तक FIR तक नहीं दर्ज की गई है और ये एक निंदनीय घटना है और इसका हम विरोध करते हैं और हम शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसमें तत्काल कार्रवाई करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। कोरोना कर्फ्यू में हापुड़ का एशिया में मशहूर मूना व्यापार दम तोड़ने की कगार पर आ गया है। दुकानदार एक एक ग्राहक को तरस रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को मूनों का एक खरीदार तक नहीं मिल पा रहा है। दुकानदारों की माने तो हापुड़ का मूना उद्योग एशिया का सबसे मशहूर मूना उद्योग माना जाता है। देश के कई राज्यों में हापुड़ से मूना सप्लाई किया जाता है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू में कोई भी मूना खरीदने के लिए नहीं आ रहा और न ही सड़कों पर कोई हलचल है, तो वहीं अब दुकानों में रखे मूनों में दीमक लगनी भी शुरू हो गई है। मेरा नाम चेतन कुमार है, गढ़गंगा, हमारा ये मूड़ों का व्यापार है। काम धंधा तो बिल्कुल कोरोना काल में चौपट हो गया है, बिल्कुल ही लाखों का माल भरा पड़ा है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है। अब खाने के भी लाले पड़ गए, क्या है कि कच्चा माल लाते हैं, सब बनाते हैं, खरीदते हैं, प्लास्टिक खरीदते हैं, ये तैयार करा हमने आइटम, ये भी ऐसा ही है, कोई लेने भी तैयार नहीं है। एशिया का मशहूर है जी मूड़ा उद्योग हमारा, बिल्कुल चौपट हो रहा है जी कोरोना काल में, कोई कस्टमर ही नहीं है, बिल्कुल रोड ही बिल्कुल बंद है, लाखों रुपए का माल ऐसे ही पड़ा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बिक्री लॉकडाउन चल रहा है जी, कोरोना काल में बिल्कुल चौपट हो गया मामला।
नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर गुरुवार की दोपहर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी का ट्रेनी विमान हरियाणा के नारनौल से अलीगढ़ जा रहा था। इस विमान में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद पायलट जागृत ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को सकुशल यमुना एक्सप्रेस वे पर लैंड कर दिया। थाना नौजील क्षेत्र के माइलस्टोन 72 पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होते ही एक्सप्रेस वे से गुजर रहे लोग और आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। इसी बीच जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि विमान में पायलट सहित 2 लोग सवार थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं।